हेलो एंड अ वार्म वेलकम पीपल। हम लोग आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर्स इन डेजर्ट एरियाज, इसलिए ताकि वाटर लॉस इनहिबिट कर सके। क्या क्या ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं, हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, मतलब कि लीव थोड़ा हार्ड हो और थोड़ा वैक्सी हो, फिर टाइनी लीव्स मतलब छोटे छोटे लीव्स हो जाएं, या और तीसरा है थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, मतलब लीव्स के जगह पे थॉर्न्स या फिर स्पाइन्स पाए जाए। आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं 2 and 3, 2 only, 3 only और 1, 2 and 3। अब बेसिकली लीव का क्या काम होता है, फोटोसिंथेसिस करना और ट्रांसपिरेशन करना, मतलब कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो फूड सिंथेसाइज कर रहा है और ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो वाटर को जो है इन्वायरमेंट में रिलीज कर रहा है, यानी वाटर लॉस हो रहा है। ऐसा कैसे करता है लीव्स, स्टोमेटा के थ्रू वो करता है वाटर लॉस। तो अब क्योंकि डेजर्ट एरियाज में वाटर की कमी है, मॉइस्चर की कमी है, तो वहाँ पर हम लोग जाहिर सी बातें कोशिश करेंगे कि वाटर लॉस कम हो। तो ये कैसे कैसे करते हैं लीव्स, एक तरीका है लीव्स अपने आप साइज़ को छोटा कर लेते हैं। फिर मैंने आपको बताया था पहले भी वीडियो में कि कैक्टस में क्या होता है कि लीव्स जो हैं, लीव्स की जगह पे थॉर्न्स पाए जाते हैं। ये ना ही सिर्फ वाटर लॉस को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं, बल्कि जो इम्पॉर्टेंट प्रेडेटर्स हैं उससे भी ये प्लांट्स को बचाते हैं। और फाइनली अगर लीव हार्ड हो जाए तो उसके थ्रू भी वाटर लॉस इनहिबिट होगा। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं। अब चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पार्ट हम लोग समझते हैं। लीफ बेसिकली क्या है, एक स्टेम से अराइज करता है। स्टेम से जहाँ पे जुड़ा होता है वहाँ पर उसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। उससे एक डंटल जैसा अराइज करता है जिसे हम लोग पत्ता को पकड़ सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। अब ये एक लीफ के सेंटर में मिड रिब वाला रीजन होता है जिसके थ्रू वेन अराइज करती है, और वेन्स से फिर क्या होता है, वेन्यूल्स अराइज करते हैं। जो एंड वाला रीजन हो गया उसको हम लोग टिप बोलते हैं, साइड में हो गया मार्जिन, और फाइनली एंड पे क्या होता है, लीफ बेस जो स्टेम की तरफ हुआ उसको हम लोग लीफ बेस बोलते हैं। अब आप एक तो यहाँ पे वेनेशन देख रहे हैं, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन, मतलब कि बहुत ही इरेगुलर सा वेनेशन होता है। सिमिलरली आपने अगर केला का पत्ता देखा हो तो उसमें पैरेलल वेनेशन होता है, मतलब एक वेन दूसरे वेन से पैरेलली अरेंज्ड होता है। तो दो तरह का वेनेशन होता है, रेटिकुलेट और पैरेलल। अब लीफ के हम लोग कुछ फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहला तो हो गया फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, लीफ में है कुछ ग्रीन कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। ये क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है। फिर लीव्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक भी करते हैं, और रूट्स के थ्रू वाटर आता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिएक्ट करके सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाता है, फूड बनाता है। किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो और इस ग्लूकोज से फिर पूरे प्लांट को एनर्जी मिलती है। अब मैंने आपको क्या बताया कि ग्रीन कलर है क्लोरोफिल की वजह से। आपने देखा होगा कुछ पत्ते अलग अलग कलर के भी होते हैं, तो वो उसको हम लोग कैरोटीनॉइड बोलते हैं, जो कि दूसरे अलग अलग कलर प्रोवाइड कराते हैं। अब लीव का दूसरा फंक्शन हो गया ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब पानी का रिमूवल होता है, किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, जो कि लीफ सरफेस पे पाया जाता है। छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसके थ्रू पानी रिलीज हो जाता है। तीसरा है फंक्शन गटेशन। गटेशन में भी पानी का रिमूवल होता है ट्रांसपिरेशन के जैसे, लेकिन बस एक डिफरेंस है, यहाँ पे स्टोमेटा से नहीं होता है, यहाँ पे किससे होता है, जाइलम सेल्स प्रेजेंट होते हैं लीव के एजेस पे, वहाँ से जो है वाटर का रिलीज हो जाता है, रिमूवल हो जाता है। फिर अगला फंक्शन है स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होता है कि लीफ जो है थोड़ा सा थीक हो जाता है, ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स का बहुत ही अच्छा अमाउंट में स्टोर करके रखता है, ताकि जब लीफ को ज़रूरत पड़े, जब कुछ डिफिशेंसी हो, तो उस टाइम वो काम आ पाए। और लास्टली एक फंक्शन हो गया डिफेंस, जो मैंने आपको बताया कि वो स्पाइंस बन जाते हैं, थॉर्न्स बन जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, लीफ को पूरे प्लांट को प्रीडेटर से डिफेंड करने में हेल्प करते हैं।
मतलब कुछ लीफ के मॉडिफिकेशंस पे आते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपके फंक्शन क्या बताया, स्टोरेज। स्टोरेज लीव्स कुछ कुछ स्पेशलाइज्ड हैं, जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हैं, इसमें क्या आप देख रहे हैं, बहुत थिक थिक टाइप के लीव्स हैं, सक्कुलेंट टाइप के लीव्स हैं। ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स स्टोर करते हैं, पानी स्टोर करते हैं और हेल्प करते हैं डेसिकेशन को रेजिस्ट करने में, यानी अगर कुछ मॉइस्चर की कमी हो रही है तो उसको अवॉइड करने में ये हेल्प करते हैं। फिर इन इसके अलावा ये जेरोफिटिक प्लांट्स में भी पाए पाए जा सकते हैं। जीरोफिटिक प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो कि डेजर्ट वाले रीजन में पाए जाते हैं। आप लोग दूसरा डायग्राम देखिए, ये है लीफ टेंड्रिल। ये क्या होता है, जो लीफ के कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं ये ट्रेंडुलर शेप में बन जाते हैं, ताकि ये इसको क्लाइंब करने में हेल्प करें, प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करें। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि जैसे पी प्लांट हो गया, यानी कि जो मटर का प्लांट होता है उसमें टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। फिर जितने भी मेलन फैमिली वाले जो प्लांट्स हो गए वो भी लीफ टेंड्रिल उनमें प्रेजेंट होते हैं। फिर अगला है लीफ स्पाइंस। इसमें समझिए क्या है कि आप देख रहे होंगे कि बहुत ही स्पाइंस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है पूरे प्लांट पे। ये जो आपको बड़ा सा ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है स्टेम। इस ये लीफ नहीं है, ये स्टेम है, और स्टेम से जो आपको दिख रहे हैं जो छोटे छोटे स्पाइंस अराइज कर रहे हैं वो लीफ हैं। तो लीफ स्पाइन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ किस किस लिए काम आता है, डिफेंड करने में हेल्प करते हैं और वाटर लॉस को कम करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन फिर ये कम होता है इसलिए वाटर लॉस कम होता है यहाँ पे। अगला मॉडिफिकेशन पे आते हैं, ये क्या है, स्केल लीव्स। तो आप लोग जो प्याज देखते हैं, जो ऑनियन हो गया, तो ऑनियन बेसिकली लीव का ही मॉडिफिकेशन है। जो आप लोग जो छील के खाते हैं वो सब क्या है, लीव्स हैं। और नीचे जो आपको दिख रहा होगा एक स्ट्रक्चर, वो स्टेम है, बहुत ही छोटा सा रिड्यूस्ड स्टेम होता है इसमें, और इससे ही जो है रूट्स अराइज करते हैं, जिसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट्स भी बोलते हैं। फिर अगले उस पे आते हैं लीफलेट हुक्स हो गया। अभी आप देख रहे हैं हुक जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, तो इन हुक्स से क्या होता है कि ये प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करता है। फिर कुछ लीव्स में रूट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। बेसिकली एक इनमें पाए जाते हैं, जो भी पानी में जो तैरते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनमें लीफ रूट्स पाए जाते हैं। आप इन लीव्स में देख सकते हैं कि बहुत सारे रूट्स प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल के लिए हो गया साल्वेनिया। अब यहाँ पर भी ये जो रूट्स हैं ये सिमिलर टू ऑनियन वाला जो रूट्स था, यहाँ पर भी क्या होगा, ये एडवेंटिशियस रूट ही होगा यहाँ पे। फिर एक मॉडिफिकेशन है फाइलोड। फाइलोड क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि लीफ का एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के जहाँ जो डंठल था उसको हम लोग पेटियोल बोल रहे थे। तो पेटियोल जब एक पत्ता का शेप ले लेता है तो हो जाता है फाइलोड। एग्जाम्पल के लिए हो गया अकेशिया। अकेशिया क्या है, बेसिकली बबूल जैसा एक प्लांट है, उसमें भी क्या होता है, फाइलोड जो है प्रेजेंट होता है। और लास्टली कार्बन कार्निवोरस प्लांट्स में भी लीफ का बहुत सारा मेजर मॉडिफिकेशंस होता है। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था एक दूसरे वीडियोस में, जिसमें कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में मैंने आपसे पूछा था। तो अब यहाँ पर डायग्राम्स देखिए, यहाँ पर पहला में हम लोग क्या देख रहे हैं कि लीफ मॉडिफाई हो गया है इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए, इसको हम लोग वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट भी बोलते हैं। दूसरा है देखिए ड्रोसरा, इसमें जो इसके जो लीफ के एजेस हैं वो वहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और फाइनली इंसेक्ट इससे चिपक जाते हैं। और तीसरा डायग्राम जो देख रहे हैं आप, ये बेसिकली क्या है, पिचर प्लांट है। पिचर क्या होता है, बेसिकली एक घड़े जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि इंसेक्ट आता है अंदर और ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है, इंसेक्ट इसमें ट्रैप हो जाता है और फाइनली इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के बाद प्लांट जो हैं उस इंसेक्ट को मार देते हैं और जो एनर्जी जो है वो कंज्यूम करते हैं। कार्निवोरस प्लांट बेसिकली ऐसे सॉइल में पाए जाते हैं जहाँ पर कि न्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी होता है, मेजरली नाइट्रोजन का डिफिशियंसी होता है। लास्टली हम लोग क्वेश्चन पे वापस आते हैं, जो हम जिसमें हम लोग जीरोफिटिक प्लांट की चर्चा कर रहे थे। जीरोफिटिक प्लांट क्या है, ऐसे प्लांट जो कि डेजर्ट वाले एरिया में पाए जाते हैं। आप इस प्लांट को देखिए, यहाँ पर क्या है दिख रहा है हम लोग को, एक तो जो ग्रीन कलर का पूरा स्ट्रक्चर है ये स्टेम है, स्टेम से जो है स्पाइन्स अराइज कर रहे हैं, ये स्पाइन बेसिकली लीफ है। तो क्या क्या है मेजर यहाँ पर एडेप्टेशन हो गया, एक तो बहुत ही वैक्सी टाइप का थिक टाइप का लीफ है,
फिर उससे स्पाइन्स और थॉर्न अराइज कर रहे हैं जो कि लीफ है ताकि वाटर लॉस कम हो पाए। फिर जो स्टेम है वो बहुत ही थिक है, वो क्यों है, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स को वाटर को स्टोर कर पाए। इसके अलावा फिर स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस भी यहाँ पर कैरी आउट करता है क्योंकि लीफ बहुत ही छोटा हो गया है इस वजह से। फिर कुछ केसेस में बार्क जो होता है, जो जो लीफ का छाल होता है, स्टेम का छाल होता है, वो क्या होता है, वो कभी कभी बहुत थिक हो जाता है ताकि मॉइस्चर लॉस को कम किया जा सके। और इसमें दिख तो नहीं रहा डायग्राम में, इनके रूट्स जो होते हैं बहुत ही लॉन्ग होते हैं, बहुत ही फैल जाते हैं रूट्स, ताकि थोड़ा सा भी कहीं से मॉइस्चर मिले तो उनको ये अब्जॉर्ब कर पाए। ये कुछ एडेप्टेशंस हो गए प्लांट के ज़ेरोपिटिक कंडीशन कंडीशन के लिए। और मैंने यहाँ पर क्या क्या हमने डिस्कस किया कि एक लीफ का क्या स्ट्रक्चर होगा, उसका क्या क्या फंक्शन होंगे और क्या क्या लीफ का मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।